Hello students, today is EVS workbook subject in which some questions have been given which I am going to explain to you guys in Hindi. Listen to it carefully. First question है हमारा, how many members are there in your family? यानी इसका हिंदी में मीन्स है कि तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर्स है, तो वो आपको यहाँ पर लिखने हैं कि कितने मेंबर्स है. सेकेंड है हमारा, who are the different मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, यानी तुम्हारी फैमिली में कौन ऐसा मेंबर है जो कि बिल्कुल अलग है, यानी भिन्न है, डिफरेंट है. थर्ड हमारा है, डू यू स्टे इन अ न्यूक्लियर फैमिली और अ जॉइंट फैमिली. इसका मतलब है कि आपकी फैमिली जो है वो न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है. न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है जैसे कि केवल आप हैं, आपके पापा हैं, मम्मी हैं और आपके ब्रदर और सिस्टर हैं. और जॉइंट फैमिली का मतलब होता है कि जैसे आपके साथ दादा और दादी भी हैं, तो वो जॉइंट फैमिली है. तो ये अब आप डिसाइड कीजिएगा कि आपके फैमिली का क्या नाम है, न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है. तो इसमें से कोई भी एक जो है आप इसमें आंसर फिल कीजिएगा. फोर्थ है हमारा, हु इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली. इस क्वेश्चन का मतलब है कि इस फैमिली, आपके फैमिली में जो है ओल्ड, सबसे जो बड़ा कौन सदस्य है, उसका नाम इसमें लिखना है. फिफ्थ हमारा है, हु इज़ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली, यानी कि आपकी फैमिली में जो है सबसे यंगेस्ट मेंबर कौन है, यानी कि सबसे छोटा मेंबर कौन है, उसका मतलब उम्र, जैसे कि सबसे छोटा कौन है, कम उम्र का कौन है, उसका नाम इस फिफ्थ के आंसर क्वेश्चन का आंसर लिखना है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ योर अंकल्स नेफी और नीस. इसका मतलब है आपके अंकल के भतीजे या भतीजी कौन है, उसका नाम लिखना है आपको आंसर में. नेक्स्ट है हमारा सेवन क्वेश्चन, हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव. यानी सिबलिंग्स का मतलब होता है जैसे कि आपके भाई बहन, आपके रिलेशन में जितने भी भाई बहन हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं कि कितने भाई बहन हैं, हाउ मैनी. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एट्थ क्वेश्चन, लिस्ट थ्री थिंग्स यू डू टू हेल्प योर फैमिली मेम्बर्स. यानी आप अपनी फैमिली में कौन कौन से तीन काम करके उनकी मदद करते हैं, वो यहाँ पर आपको फिल करना है. थैंक यू.